अब सलमान एंड कंपनी के बीच मुकाबला होता हुआ है। ओपनिंग के लिए आए हैं नुमान और आबिद। नुमान के खिलाफ रणनीतियां बनाता हुआ नजर आ रहा है, और क्यों ना हो, जब आपके अपोजिशन टीम में एक ऐसा बल्लेबाज हो जिसके अंदर खिलाफ भी हो, नजाकत भी हो, ताकत भी हो, तो उसके खिलाफ रणनीतियां बनाने का पूरा हक है, और वही रणनीतियां यहां पर अपनाते हुए टीम कैप्टन संजय पुर एक पहुंचा दे। अच्छा साहब, देखिए क्या इशारा आ रहा है शारिफ साहब का, तो वक्त की नजाकत को समझे, फौरन जो है अपनी फील्ड पॉइंट तरतीब दे। टीम कैप्टन संजय पुर पर अब मुकाबला होने को है। हाल ही में बलरामपुर प्रीमियर लीग जैसी ट्रॉफी को अपने नाम किया था नुमान ने, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। आज खुशकिस्मती है हमारी आपकी, तमाम दर्शकों की, कि हमारे इलाके का शहजादा अपने फन को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। फरहान स्टेडियम गाटा पावर हाउस फुलपुर आजमगढ़ में के प्रांगण में आए हुए तमाम खेल प्रेमियों का मैं वेलकम और खैर मकदम कर रहा हूँ अपनी जानिब से। मैं कॉमेंटेटर अबू खास फ्रॉम खासदी, मेरे साथी कॉमेंटेटर शहनवाज चित्रपुर और साथी इसकुर नासिर शेख फ्रॉम मुंडिया की जानिब से, और एमसीसी मुंडिया की जानिब से आए हुए तमाम खेल प्रेमियों का इस्तकबाल और खैर मकदम कर रहा हूँ। जनाबे मुफ्ती खुर्शी साहब की ढेर सारी दुआएं टीम इस रोडी के साथ इस वक्त डाइस की जीनत बने हुए हैं। दर्शकों का एक हुजूम देखने को मिला है, ऐसे में अब आवाज दी जा रही है टीम कैप्टन लाइक भी करें शेयर भी करें फौरन फील्ड पॉइंट को तरतीब दे। सलमान मिर्जा का सेमीफाइनल चल रहा है, देखिए इसके बाद में बताऊंगा इसके बाद किसका है। अलैकुम अस्सलाम भाई, इसमें से जो टीम जीतेगी, इसमें से जो टीम जीतेगी उसका राजापुर सिकरौली संजरपुर अगर जीतती है तो अफगान गारमेंट की तरफ से 300 रूपए। भाई अभी रन एक भी गेंद नहीं हुई भाई, तो रन का स्कोर कहाँ चला, गेंद होने दीजिए भाई। फौरन फील्ड पॉइंट लाइक और शेयर करते रहे आप लोग, लाइक और शेयर करते रहे आप लोग, की नजाकत को समझे। और मैं देख रहा हूँ कि टीम मिसरौली के साथ आमिर फ्राम मिसरौली जो एक अच्छे कमेंटेटर है, और हूबहू जो है एक अच्छे कमेंटेटर शाहकान की आवाज में जो है कमेंट्री करते हैं, ऐसा लगता है दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो थोड़ा सा मौका दिया जाए। बिल्कुल मुस्लिम पहली बार आपका गाँव के तमाम के बैठ निकलता हुआ गेम शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे। रोमान ने पहली गेम पर वेलकम किया है, ये तो स्पाइल रिकॉर्ड ला के भेजा, बाहर भेजा 4 रन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ब जवाब से आए हुए तमाम लोगों की खिदमत में मैं आज आपका अपना तेरा आमिर बोल रहा हूँ। इसरौली फ्रॉम संजयपुर का मुकाबला है, दो टीम आमने सामने हैं, लंबा वाली मार्क है और जरा सा लेकिन चीजें भटके थे, मैंने कहा हूँ वाइट कैसा आएगा, वाइट के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 5-5 हुआ है। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, दोनों टीम की मजबूत है, मैं देखा हूँ एक तरफ इसरौली दूसरी तरफ संजयपुर है। आज मिर्जा सलमान टीम में एब्सेंट है, आज मिर्जा सलमान टीम में नहीं है, उनके अफसर में टीम खेल रही है, मैं देखा हूँ अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ। दौर मसूर का लंबा बाली मार विक्टर भुट्टा के और एक खिलाड़ी आ रहा है और नुमान को पवेलियम जाना पड़ेगा। नुमान जैसा क्रिकेटर मैंने कहा हूँ आज आउट होकर वापस आ रहे हैं, और एसटीएस ओनर सलीम शेख मैंने कहा हूँ के साथ जुड़े हैं, आपका वेलकम है। बेहतरीन मुकाबला मैंने कहा हूँ, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि नुमान जैसे बड़े क्रिकेटर को पवेलियम भेज के संजयपुर, अब संजयपुर बहुत बना रही है, संजयपुर मैंने कहा हूँ बहुत बना रही है, और नुमान 5 बनाकर 4 बनाकर पवेलियम लौट रहे हैं। उनकी जगह पर असद पहुंचे हैं कि दर्शक खेल को दिखाएंगे। 6-6 का मुकाबला है, बेहतरीन अंदाज में मैंने कहा हूँ मुकाबला आपके सामने चल रहा है। शहनवाज भाई मैंने कहा हूँ टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, जो साथी कमेंटेटर है आपका वेलकम है, और शहनवाज भाई हम आपका शुक्रिया अदा करें, बेहतरीन मैंने कहा हूँ ये टूर्नामेंट आपके सामने चला है। और
और दूसरा का नाम है ना ना भाई ना भाई साबिर को 200 का इनाम आया है। लफ्जों का इस्तेमाल अच्छा करो भाई सैफ भाई, इंसान की शक्ल नहीं दिख रही है लफ्ज दिख रहे हैं। साबिर भाई को साबिर भाई की तरफ से मेरे कहा 200 का इनाम आया है अच्छी कैच पे नुमान के। और अब असद पचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सादात भाई और फिलहाल मेरे कहा एक साथ बैठे हैं, मैं आपका शुक्रिया। पहली बार लामान के ऊपर से नतीजा ये छह मिल जाएगा, 6-7 स्कोर बढ़ता पर्चा है। मैंने कहा बिल्कुल तुझ के साथ खुरासो का मैच इसको 11 हो गया है, जनवरी बाहर होगी भाई टूर्नामेंट 11। और अब्दुल्ला भाई कुसा की तरफ से यूनुस को 200 का और इनाम आया है 300 का और 500 हो गया है। मैंने कहा हूँ बिल्कुल भाई देखते हैं पता नहीं है 300। मैंने कहा हूँ बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, एक खिलाड़ी और आउट हो जाएगा। अब असद को भी पवे जमाना पड़ा है, अब आगे निकले हैं बल्ला लेकर की तरफ बल्लेबाजी करेंगे। अगर इस रोली इस तरह से बल्लेबाजी करेगी तो बात भी बनने वाला है। 6 में 100 प्लस देना पड़ेगा। सज्जनपुर के पास बल्लेबाजी है वो दमखम रखते, 5 में 100 प्लस देना पड़ेगा तभी कुछ काम बनने वाला है, वही करना पड़ेगा। अब आदिल निकले हैं, आदिल निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5+5 का मुकाबला है और एक आदिल ऐसा कि पीटर जो मैं देख रहा हूँ आज फरहान स्टेडियम टाटा पावर हाउस पे, ये लंदन में क्रिकेट बहुत खेले हैं, लंदन से क्रिकेट खेल कर आज आए हैं। मैं देख रहा हूँ मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, तैयार किस तरह से अपने काम को अंजाम देके देखा जाएगा। थोड़ा संख्या लम्बाली मार यूनुस और आदिल के लिए सरमा खेलने का चक्कर था, बीट करने में कामयाब हो जाएंगे यूनुस। इसको 11 पर रुका हुआ है। एमसीसी क्लब मुंडियार के जहर टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का मैंने कहा हूँ ये मुकाबला आज आपके सामने चला है। इसरोली बनाम सज्जयपुर का मुकाबला चला है। यूनुस मैंने कहा उम्र कम है, एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। दिन के लिए वर्तमान खेला है बिल्कुल त्रुटि के साथ। मैंने कहा हूँ कि खिलाड़ी आ रहा है लेकिन नतीजा ये कि 4 मिल जाएगा, 4 के साथ स्कोर पर बड़ी तेजी के साथ हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरा सज्जनपुर कौन से खिलाड़ी को देखिए देखा जाएगा। और अब आदिल का नंबर है, आदिल मैंने कहा हूँ लंदन से क्रिकेट खेल कर आए हैं और सीजन 5 से बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इतना क्रिकेट खेलते हैं सीजन 5 से। अब आदिल को आजमाया जाएगा, दूसरे वक्त की जिम्मेदारी कौन लेके आएगा देखा जाएगा। कस्बा माहौल आसिफ भाई टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, उनके साथ आपका माहौली आपका भी शुक्रिया। ये लोग मैंने कहा मुकाबले को लाइव दिखा रहे हैं। 1/15 सलमान भाई और शारिक भाई जरा सा मुकाबले में तेजी लाए, जरा तेजी लाए इस वक्त की घड़ी में मैं देखा हूँ बड़ी तेजी के साथ। 2:37 हो रहे हैं, जरा सा मुकाबले में तेजी लाए ये बेहतर है। सादात भाई टीम मैनेजमेंट है, यही एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि ये प्रेस कॉमेंट कराना है और इसको आज सच कर दिखाया है और लोगों से कह के निकला है कि पुरअमन जिंदगी की हिमायत किया करो। वालेकुम अस्सलाम, पुरअमन जिंदगी की हिमायत बुरी बला है मोहब्बत किया करो, नफरत बुरी बला है मोहब्बत किया करो। 1/15 200 में लिखा हूँ, सबत अच्छी साल लेकर आए हैं और इस मतबा बेहतरीन दिवाली में लिखा हूँ यहाँ की लड़की गई थी, एक मिल जाएगा बढ़िया साड़ी के साथ एक भाई। और इसका 16 हो गया है। आदिल मैंने कहा हूँ जो लंदन से क्रिकेट खेल के आए हैं, आसमगढ़ में क्रिकेट कम लंदन में बहुत खेला है और अगर 5 ओवर पूरा खेलेंगे एसटीएस ओनर सलीम शेख की तरफ से 500 का इनाम आया है। इस मतलब थी खून कर खेला है, नतीजा ये खींचा 4 के साथ स्कोर बढ़ जाएगा 16-4 और 2 ओवर चल रहा है। जी साल मैंने कहा हूँ गेंदबाजी करने के लिए है आज सलमान का टूर्नामेंट, मैंने कहा हूँ ये आज टीम में अपसेट है, स्कोर 20 पर रुका हुआ है 2 ओवर चला है।
बिल्कुल कृति के साथ मुकाबला आज आपके सामने मंजीर पति सेमीफाइनल में है भाई। अब चार भाई खास जी मैंने कहा पढ़ने के साथ मुकाबला दिख रहे हैं आप सभी देखते हैं भाई हम कैसे बता दें। खेलने का चक्कर था कामयाब नहीं हुए बाकी काम तिथि पर 80 पूरा करेंगे। ये सभी टीम सतहज के निकली थी घर से सतहज के आई है नुमान है आदिल है और नुमान एक ऐसा नाम दुनिया क्रिकेट का जो किसी तारीफ और तारुफ का मोहताज नहीं है कि खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो नाम नुमान का है जो मैंने कहा हूँ आज अल्लकी है सिर्फ चार बनाकर पवेलियन पहुंचे हैं बड़ी तेजी के साथ खेला हो जाएगा 21-21 सेकेंड वन प्रोग्रेस स्कोर नाउ 21 लास्ट ऑफ वन विकेट स्कोर 21 है 5+5 का मुकाबला है बिल्कुल चुति के साथ मैंने कहा हूँ मुकाबला आज आपके सामने चल रहा है बहुत प्यारा मुकाबला है बेहतरीन मैंने कहा मुकाबला आपके सामने चल रहा है फैसला मंजूर होना चाहिए जंग हो या मौसम भाई वेलकम चाहिए नहीं भाई आपकी टीम नहीं है कल शायद है थोड़ा सा क्या छोटा सा मालूम है बच्चे हम तक क्रॉस किया डिलीवरी बेहतरीन मैं लिखा हूँ गेंदबाजी कही जाएगी निशान की और यहाँ से एक और मिल जाएगा स्कोर 22 सेकेंड वन प्रोग्रेस स्कोर 5 पर मैं लिखा हूँ रुका हुआ है एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बल्लेबाज मैंने कहा हूँ नुमान इसौली है एस टी एस ओनर आप सलीम से का वेलकम है मुख्य खुशी साहब मैंने कहा मुकाबले को देख रहे हैं आक्रमण को देखने आए आप सभी वेलकम है तैयार क्या करेंगे छोटा सा बारी बात विकेट बचे और इस एक और छक्का मैंने कहा होल्ला मान को ऊपर से लगा है इस छह के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 28-28 टूर फिनिश स्कोर नाउ 28 लास्ट ऑफ वन विकेट मैंने कहा हम ओवर में 28 बन गया है अब तीसरा ओवर कौन गेंदबाज लेकर आएगा बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेजमेंट नाटक कमेटी मैंने कहा हूँ सरदार भाई घूम कर देख रहे हैं कहीं से कोई कमियां तो नहीं है टूर्नामेंट में कोई कमी नहीं है बेहतरीन ग्राउंड को सजाया है ऐसा ग्राउंड को सजाया है कि जैसे नई नवेली दुल्हन को सतहज के बैठा दिया गया है इतने सब रात नहीं भाई आज नहीं है सब रात का और बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है भाई नुमान भाई है क्या पूछिए जब हथेली पे हमने है सर रख दिया कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया जबरदस्त अंजाम दे रहे तैयार क्या करेंगे आदिल मैंने कहा पहुंचे हैं और तीसरा वक्त यूनुस लेकर आए हैं 5+5 का मुकाबला है बता नहीं सकता सिक्की में 5+5 का मुकाबला है इसको कितना है दोस्त इससे पहले आरपीएस का था भाई वो क्या है ना शायद नहीं आई है और इस आदिल एक और छक्का छक्के के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ पहुंचा है इसको चेतन हो गया वो नहीं आने वाले हैं सब रात इसलिए शायद अगर आदिल 60 को अगर 5 और पूरा खेल के आएंगे तो एसटीएस ओनर आप सलीम आफ्ताब की तरफ से 500 का इनाम है तैयार शुरू किया यूनुस लंबा वाली बात विकेट पर पहुंचेंगे और इस मरतबा एक मरतबा फिर फ्रेम कर खेला है बैक बैक तो लगातार छक्के बेहतरीन मैंने कहा अपने काम को अंजाम दे रहे हैं आदिल ये आदिल मैं पहले बताया था दोस्त ये आसमगढ़ में क्रिकेट कप लंदन में बहुत खेल कर आया है सीजन बाल का बेहतरीन खिलाड़ी है यादव आज अपने काम को अंजाम दे रहा है मैंने कहा बड़ी खूबसूरती के साथ स्कोर 6 के साथ स्कोर कितना हो गया है स्कोर 40 आदिल के हर छक्के पे 200 का इनाम आया है एस टी एस सोनाराम सलीम आफ्ताब मैंने कहा इस रोली के तमाम लोग मुकाबले को देख रहे हैं संजयपुर में बड़ी मजबूत टीम है बहुत मजबूत टीम है आज सलमान की अक्षर में टीमें खेल रही है लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है एक मिल जाएगा एक के साथ अब स्कोर बढ़कर हो जाएगा मैंने कहा 41 और तीसरा ओवर चला है ये उसके बाद ही करें दो छक्के लंबे लंबे लगे हैं अच्छी पोजीशन में है इस रोली मुकाबला आपके सामने चला है फरोगी सरोली की तरफ से भी 50 का
15 बॉल पर 41 रन चला है। लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग, लाइक और शेयर करते रहिए। जो टूर्नामेंट आज आपके सामने चला है, जिसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन तो मैंने कहा है तीसरा तैयार बेहतरीन खूबसूरती के साथ खेला है। लगातार खेल बेहतरीन के साथ आ रहा है, एक मिनट जाएगा एक के साथ स्कोर 42। भाई नुमान भाई आउट हो गए। बेहतरीन अंदाज में मैंने कहा मुकाबला आपके सामने चला है, कुछ एनआरसी से 5+5 का मुकाबला है। आपका माहौल मैंने कहा टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहे हैं और कस्बा माहौल आसिफ भाई टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहे हैं, आपका बेहतर है। और आदिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है। स्कोर कितना हुआ 48। और सादा भाई अभी बताए कि साथ में आर्यन क्रिकेट आजमगढ़ भी टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहा है। तीन लाइव दिखाने वाले आ जाए हैं आर्यन क्रिकेट आजमगढ़। और इस मतबा फिर खेलने का चक्कर था, पल्ले पे ठिका से नहीं आई, चार पेटे साढ़े एक मिल जाएगा। एक के साथ स्कोर कितना हो गया 49। अगर आदिल पूरा ठीक है भाई, ठीक है बिल्कुल बताएंगे, बता रहेगा बिल्कुल बताएंगे। हर छक्के पे दोस्त, हर छक्के पे देखो, जो चीज हमें पता होती है हम बिल्कुल बता देते हैं, क्योंकि छुपा के रखना क्या मतलब है। और आज आदिल मारा मार हो जाएंगे, कितने इनाम लगेंगे, आज बहुत पैसे लगे हैं आदित्य ऊपर। और अब किसको आज आएगा, ये तीन ओवर हो चुका है, तीन ओवर में कितना स्कोर है, तीन में उनचास बच चुका है। सदाबे मेरे कहा जवाब चैन लग रहे हैं, क्या बात है, टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, टूर्नामेंट में कोई कमियां नहीं है, बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला चला है। और तीन में उनचास सदाबे एक बार फिर से आए हैं जीशान, तीन में वह चार बच चुका है और यही टीम लेट कर देती है में, तो कमेटी परेशान हो जाती है। मुतजमी ने कमेटी मैंने कहा ये शादाब भाई खड़ा पायर भी है, ये अभी पता चला है ये खड़ा पायर भी है। तैयार चौथा लेकर आदित्य पहली गेंद, दो गेंद का इशारा आएगा, खोकर खेला है मैंने कहा यहाँ अंपायर के साथ बैठा और छह इस गेंद पे मिल जाएगा सात, सात के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 56 स्कोर हो जाएगा। मैंने कहा चोली की फुल्टी हो चुकी है, बड़ी खूबसूरती के साथ चला है बेहतरीन अंदाज में आदिल हल्ला कल खेलेगी भाई सोगरा कल खेलेगी। परिंदे को ये बात बताती है इस झील पे मत आना, इस झील पे खतरा है, वही काम कर रहे। और इस मतबा खेलने का चक्कर था, आखिरी हिट का भी इशारा था, कामयाब नहीं हुए, फिर भी एक मिल जाएगा, एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा मेरी तेजी के साथ 57 स्कोर हो जाएगा। 5+5 का मुकाबला है, बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने कहा मुकाबला आपके सामने चला है। अगर ऐसे बल्लेबाजी करती रही अच्छा भाई तो आपके अंदाज में कितना स्कोर बन जाएगा, इसी में कितना स्कोर बना देगी अगर इसी तरह बल्लेबाजी करती रही। जाते टाइमियां है इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है हमें। इस वक्त स्कोर का 57 अंशों का रहा है, लेकिन जहाँ एक कहावत है कि क्रिकेट टच, जब क्रिकेट में कमेंटेटर टच लग जाता है, जब कमेंटेटर किसी बल्लेबाज की तारीफ करता है तो कहीं ना कहीं इसके विपरीत हो जाता है, बिल्कुल उसी देखने को मिला। और अब इधर जा रहे नए बल्लेबाज, यहाँ से जरूरत है अच्छी बल्लेबाजी की, बची हुई गेंदों पर कम अज कम दो तीन बाउंड्री अगर ले ली जाए तो 60-65 रन अगर हो जाएंगे तो पर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में गहराई है। इसरौली जैसी टीम के पास तजुर्बेकार कैप्टन नोमान मौजूद है, जब भी जहां भी वक्त आएगा जिस हाल में वो अपने आप को 100% देने की कोशिश में रहेंगे। चौथे ओवर का खेल जारी है, 5+5 ओवर का मुकाबला है और स्कोर कार्ड शो कर रहा है 57 रन। आदिल की तारीफ करनी होगी, अगर आदिल के लिए कह दिया जाए तो लाइन मुफ्ती खुर्शीद साहब की देखी ना गई मुझसे अंधेरे की शर्त थी, फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। बिल्कुल इस वक्त इसरौली टीम के लिए आफ्ताब का काम किया है आदिल ने और इसरौली टीम को रोशनी बख्श रहे हैं, जो एक संकट का बादल मंडरा रहा था
हाँ भाई स्पेलिंग लास्ट में मिस्टेक हो गई थी यार। बेहतरीन बल्लेबाजी किया है आदिल ने। जीशांत तैयार है, पवेलियन वाले छोड़ते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अबूजर के लिए खेला है और आउट। अबूजर आउट, बल्लेबाज अबूजर को इसी के साथ हैट्रिक पर है। अब्दुल्ला लंबी हिट पे महारत हासिल है, लंबी हिट के लिए जाने जाते हैं अब्दुल्ला। ये अलग बात है, इंसान नहीं है थोड़े दिन से अब्दुल्ला। शुक्रिया जी हाँ जानकारी देने के लिए। अमित साहब हैट्रिक पर, हैट्रिक चांस पर है। तकरीबन 7-8 साल पहले से जी साहब भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं एमएक्स ग्रीन सिटी लखनऊ। नजीम कहा कि ससुराल में मेरे गांव में है तो कहीं ना कहीं सॉरी भाई नहीं मालूम आपके भाई है एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ। तो अब्दुल्ला साहब पहुंचे हैं, लंबी की महारत है, अपने आप को थोड़ा टीम क्रिकेट से दूर रखा है लेकिन क्या वापसी कर पाएंगे। बल्ले का बाकी किनारा है, कैप्टन की तरफ गिर जा रही फिर फील्डर और चल क्या खूबसूरत चौका लगाया, बिल्कुल नजाकत भरा ये शॉट, तंदर आती हुई लुढ़कती हुई और सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 61 रन। बिल्कुल इसी तरह की जरूरत है, रन आने चाहिए शर्मा, आमिर रन आने चाहिए चाहे किसी भी शक्ल में, क्योंकि जो है आपका सलामी बल्लेबाज जिसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता था नुमान। बहुत लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। पूरी इस रोडी टीम पे पूरी तरह से लड़ती हुई जीशान तैयार हो रहे हैं। अब्दुल्ला है सामने, अब्दुल्ला के लिए गेंद आराम में थी और बिल्कुल जो है हफ्ते कर लिया खेला है वहां पर गेंद फील्ड हुई। 1 रन के साथ छोर को बदल लिया जाएगा। अब्दुल्ला के लिए एक इनाम है, जितने छक्के लगाएंगे आपके पास एडवांटेज है, आपके पास एक सुनहरा मौका, हर छक्के पर ₹200 जनाबे सलीम साहब इसराइली की तरफ से और कहीं ना कहीं और आपकी टीम एक मजबूत तरीन स्कोर की तरफ पहुंच जाएगी। तो आदिल आ चुके हैं फिर से, लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लाइक तो बिल्कुल नहीं जाए आज के इस मुकाबले में मिस्टर आदिल को। आदिल के लिए पिच गेंद थी प्रहार कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। गजब का क्लास देखने को मिला, क्या क्लास कल शार्ट खेल रहे हैं बल्लेबाज आदिल। टोटल स्कोर इस छक्के के साथ जा पहुंचा 68 रन। अब यहां से 6 गेंदे हैं, आमिर मैं चाहता हूं कि यहां से अगर 15 से 18 रन आ जाता है टीम इसरोली तो कहीं ना कहीं एक पर्याप्त रन हो जाएगा, एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा, क्या कहेंगे। बिल्कुल अच्छा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 20 रन कवर आ जाता है तो कौन बन जाएगा, लेकिन सज्जनपुर अपने अपने अच्छे गेंदबाजों को आजमा रही है। और अब्दुल्ला खान चक्के पे एसटीएस कॉर्नर सलीम आफ्ताब की तरफ से 500 का इनाम आया है। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, लंबा वाली मार्क है, दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे और रस अपने आप को रोक लिया है। और अहले कमेटी मुतजमीन कमेटी बहुत मजबूत है, मुंडियार की कमेटी इतनी मजबूत है कि कहीं से कोई कमियां नहीं आने दे रही है। मैंने कहा हूं बिलाल है उनके साथ, आजम है, ऐसे बड़े नाम है, सत्ताम भाई भी टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। तैयार इस मरतबा खेलने का चक्कर था, सक्सेस नहीं होंगे, एक में जाएगा लगभग लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर जाएगा, एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 69। ज़्यादा तेजी लाए मुकाबले में, ज़्यादा तेजी लाए लेट ना लगाए मुकाबले में, ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला, आप ज़्यादा तेजी लाएंगे तो कुछ काम बनेगा। तैयार अभी बड़े मुकाबले हैं, अभी राधापुर से कवर के भी एक मुकाबले और बचे हैं अभी के लिए। मिस्टर बैठे हैं वाइट कैसा आएगा, आप ठीक से बैठे थे वाइट के साथ, इसका ऊपर कर हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ। सत्तर हो जाएगा, मैंने कहा बड़ी तेजी के साथ नासिर से अपने काम पर चांद दे रहे हैं।
इसके बाद इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा राजापुर सिक्रोर से आर पी एस। खेलने का चक्कर था, सलवार कर बैठे हैं, बाकी काम तिथि पर आंसू पूरा कर बड़ी खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर साल का 2022 मैंने कहा चला है जिसमें बेटा सलमान आज वहाँ है, आज टीम के साथ अक्षत है और नमान कपड़ी अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ आज मैंने कहा उतरी है। आदिल का आठ बल्ला बोला है, आदिल का आठ बल्ला चक्कर बोला है और इस बार तमाम खेलने का चक्कर था, कामयाब नहीं होंगे, लग जाएगा एज, बाकी काम की बरासी पूरा कर लेंगे और आदिल आउट होकर मैंने कहा पवेलियन जा रहे हैं। शादाब भाई मैंने कहा पढ़ने के ऑर्गेनाइजर आपका कमेटी है और इन्होंने इस खेल को जबरदस्त तैयार किया, इस ग्राउंड को ऐसा तैयार किया कि लोग देखकर कह रहे हैं कि दुश्मार क्यों है राह, अगर जानता हुआ आकाश से अंजाम सफर जानता हूँ मैं, आकाश से अंजाम सफर जानता हूँ मैं, मुझको क्या कभी प्यास की शिद्दत सताएगी, मुझको क्या कभी प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ। तीन गेंद बची हुई है, अब देखना है ये सदाब की कितना बनाती है, और इस मरतबा आंखों का खेलने का चक्कर था, एक बुला है दूसरे के लिए बड़ी तेज मांग की है क्या तो मिल जाएगा और बड़ी आसानी के साथ मैंने कहा रन आउट होने का भी खतरा है, लेकिन मेरे ख्याल से कल है इसका बड़ी तेजी के साथ हो जाएगा। 72 नहीं भाई इनको भी नहीं मुकाबला चल रहा है, क्या होगा देखा जाएगा, बेहतरीन अंदाज में मुकाबला चल रहा है। सचिन बुमराह 2-2 का मुकाबला है, करण यामा का मुकाबला बेहतरीन, बिल्कुल लूज बॉल, इस छक्के के साथ स्कोर 78 हो गया है और मैंने कहा हूँ लास्ट पर चल रहा है 5-5 का मुकाबला है। एसटीएस ओनर आप सभी मैंने कहा मुकाबले के साथ जुड़े हैं, आपका वेलकम है, मुफ्ती खुर्शीद साहब आपका भी वेलकम, प्रोमे के साथ जुड़े हैं और साथ में मेरे वाले मुहतरम भी है और हाफिज सैयद साहब मैंने कहा प्रोमे के साथ जुड़े हैं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतने तस्वीर और देखना है साथ किसी के पास कोई मौका नहीं इस बार, इस बार है इतना और चौका, चौके के साथ 6 रन, इतना और छक्का, इस छक्के के साथ 84 रन, अब देखना है क्या होता है टारगेट, 84 बना है, 85 का टारगेट है, इस बार किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे देखा जाएगा और आगे की कमेटी के लिए ज्यादा जोड़ा हुआ अब सात भाई को। अभी मैं बता दूं लगातार जो है आज ये तीसरा मुकाबला है जब ये देखा गया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 5 ओवर में 84 रन बनाया टीम ने। अमित ये चौथा मुकाबला मैं देख रहा हूँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 84 रन बनाए और 85 रन का हदफ दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो तकमीरें कमेटी ने लॉक करके रखा है ग्राउंड को कि बनेंगे उसे 84 रन और 85 रन जीत के लिए बनाने होंगे अपोज टीम को। बड़े मुकाबले में ऐसे स्टेप्स आ गई और आप जो कह रहे हैं कि लगातार ऐसा हुआ है और अभी तक लोग बता रहे हैं कि अब साहब भाई बता रहे हैं उनके साथ शहनाज भाई ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कमेटी ने ताला लगाकर चाबी कहीं गुम कर दिया है कि आपको 85 रन ज्यादा नहीं जाना है और शादाब भाई अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, चल पान करवा रहे हैं, कहीं से कोई कमियां नहीं आने दे रहे हैं और आचम तो कितना बड़ा हो गया दोस्त देखते देखते पता ही नहीं चला और साथ में ये भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ और सही बताया आप साहब भाई कि शादाब भाई ने ताला लगाकर चाबी कहीं गुम कर दिया है कि 85 से ज्यादा नहीं जाना है किसी भी टीम को और वही काम को अंजाम दिया है। 85 का है टारगेट, वो दो खिलाड़ी कौन निकलेंगे और चाय वाले दस स्टेज पर आ जाएं, आपका इंतजार किया जा रहा है, मैंने कहा 85 का टारगेट है, 5 में 85 और किस तरह से मैंने कहा बल्लेबाजी करेगी देखा जाएगा, पहला बार सफलता अवसर लेकर आएंगे और नवान मैंने कहा अपने तमाम खिलाड़ियों को फील पॉइंट तकलीफ दे रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी की कहां जगह है, संजयपुर वो दो खिलाड़ी कौन निकलेंगे, जीशान रन मशीन निकलेंगे या ऐसे कौन खिलाड़ी मैंने कहा निकलेंगे, इसलाही टूर एंड ट्रैवल आपका वेलकम है, उनके साथ जुड़े हैं वो दो खिलाड़ी कौन निकलने वाले हैं आज, आज मैंने कहा अपने काम को अंजाम देने के लिए। नुमान पहला बार किसको दौड़ाएंगे, कौन से खिलाड़ी को आजमाएंगे, मुकाबला बहुत काटे का है, 2-8 का मुकाबला है, करो या मरो का है,
आज कौन टीम जीतेगी और इसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला आरपीएस राजापुर सिकरौर से है, उसका मुकाबला राजापुर सिकरौर से है और आज नहीं है किसी भी टीम को जीतने वाली। हम सात लोग जुड़े हैं आपका वेलकम है और शादाब है टीम के, मैंने कहा इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि बार बार देख रहे हैं कि कहीं से कोई कमियां नहीं आ रही है, कोई कमी नहीं है। टूर्नामेंट बहुत प्यारा चल रहा है, बेहतरीन अंदाज में मैंने कहा टूर्नामेंट चला है और सदा भाई ने टूर्नामेंट का आगाज किया कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और वितानत के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता। जी हाँ, लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लाइक और शेयर कर दे, थोड़ा सा सपोर्ट करे भाई पेज का। ग्यारह नंबर कितने उनके साथ बिलाल, मैंने कहा ये दो खिलाड़ी निकले हैं जीसान तो लोग हाँ यार मासूम छोरा है कहाँ दिखाई नहीं दिया इस मैच में, लेकिन अफजल फैन का बहुत बेहतरीन के पास है, इतनी दिल बनी है। लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। और हारून भाई बिलाल और जीशान मुकाबले को लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों का, मैं वेलकम कर रहा हूँ बेहतरीन अंदाज में। दो खिलाड़ी निकले हैं, 85 का टारगेट है, बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। दो खिलाड़ी बिलाल और जीशान निकले हैं बल्ला लेकर बल्लेबाजी करने के लिए, 85 का टारगेट है और आज मिनी दुबई सामिर की छुट्टी है, बहुत पब्लिक आई है, इतनी पब्लिक आज मुकाबले को देखने के लिए आई है। जी भाई राहुल नगर नहीं है, सरावीर छुट्टी है, आधा इस क्यों भाई सो रहे थे, मुकाबले को देखने के लिए अलाउ नहीं है सोना, होगा देखा पहले मैच के बाद सो। 85 का टारगेट है, जीसान इज ऑन ए स्ट्राइक, बिलाल इज नॉन स्ट्राइक। अब उधर शुरुआत करेंगे बेहतरीन अंदाज में, किसरो कर पह के बीच मिलना जो होगा देखा जाएगा, कि आकर बाप हर कल्ला जो होगा देखा जाएगा। अब उधर तैयार और पहली गेंद मैं देख रहा हूँ व्हाइट कैसा आएगा, व्हाइट के साथ स्कोर का आगाज, स्कोर एक, स्कोर एक। अगर एक बार फिर से सारे लोग लाइक और शेयर करके जुड़ जाएं तो फिर काम बन जाएगा। इसरोली के पास वो गेंदबाजी है, अक्सर इस तरह से गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन किसान बड़ा खुखार बल्लेबाज है, हल्ला पूर्ण बल्लेबाजी करते हैं। तैयार अब लंबा वाली बात बिल्कुल भी बचे और इस हमारे पीछे है, किसी के पास कोई मौका नहीं, नतीजा ये खींचा और नौ का भी सारा रहा है, यहाँ से नौ का भी सारा रहा है और इस चौके के साथ इस तौर पर कैसे जाएगा, पांच छह बन जाएगा, मैंने कहा नौ का भी सारा आया है, थ्री कैसा आ रहा है। पहली गेंद थोड़ा सा मैंने कहा होकर के ऊपर से थी और दूसरी गेंद वैसी कर बैठे, इसलिए नौ का भी सारा आया है, थ्री हिट कैसा रहा है। अब उधर लंबा वाली बार दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे और इस मरतबा शुरुआत का पूरा मैंने कहा फायदा उठाया है, अंदर थ्री हिट का ऐलान था लेकिन कामयाब हुए, स्कोर अभी तक छह पर रुका हुआ है। यहां मैंने कहा हूं कि पांच पर पांच के मुकाबले में 85 का टारगेट है, लोग दिल थाम कर बैठे हैं, लोग दिल को थाम कर बैठे हैं, मुकाबला बहुत कांटे का चला है। तैयार क्या करेंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे जी साहब अब के लिए और इस मतवा खेला है बड़ी तेजी के साथ, असद आ रहे हैं मित्र की जानी फील कर लेंगे और एक रन बनाने का मौका है, एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा सात हो जाएगा। शादाब भाई की कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ ये जबरदस्त टूर्नामेंट कराने के लिए, आपको सलाम करता हूँ कि एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था जिसको आज सच कर दिखाया है, जिसको आज सच कर दिखाया है। तैयार क्या करेंगे अब लंबा वाली मार्ग है और इस मरतबा बिल्कुल यार कर दिया था अंगूठा तोड़ के बाद ही कही जाएगी बेहतरीन, मैंने कहा अभी तक सात पर रुका हुआ है, 85 का टारगेट है, अभी तक जितनी भी टीमें बनाई है सब 84 बनाई है, 85 से किसी भी टीम आगे नहीं बढ़ी है और वही काम आज इसरोली ने भी किया है। तैयार अफजल लंबा वाली बात बिल्कुल भी पहुंचे, बिहार के लिए इस वक्त खून कल खेल दिया है विकेट के ऊपर से छह स्कोर बढ़कर हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ 13 स्कोर 13 हो जाएगा।
पॉइंट को तरतीब दिया गया है। नुमान के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप नईम को स्लिप में रखा गया है। सही हो जाएगा। एक खिलाड़ी लामान और उनके साथ में लिखा हो एक खिलाड़ी लामान मिड विकेट और कुछ खिलाड़ियों को अंदर रखा गया और एक बार एक और छक्का बेहतरीन छक्के के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ हो गया है 19। स्कोर 19 हो गया है। अब उधर को समझ के बाद करनी पड़ेगी, सोच समझ के बाद करनी पड़ेगी। दो बार सोलो होता हुआ है के बाद करेंगे। अब उधर लंबा वाली मांग के पहुंचे और इस मत खेला है एक मिल जाएगा एक के साथ स्कोर पत्थर हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ। मैंने कहा है 20 और ये क्रिकेट कराने वाले क्रिकेट के साथ साथ लोगों को पैगाम दिया है कि दोस्त आप क्रिकेट खेले लेकिन खेल के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है कलम कलम पकड़ लो आप एक अच्छे और सच्चे दिल इंसान बन जाएंगे। आज उसी की जरूरत है लेकिन हमारा नौजवान कलम नहीं पकड़ रहा है मोबाइल पकड़ रहा है कि कलम के बारे में कहा गया कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड कलम तलवार से भी तेज है। आप कलम पकड़ लेंगे एक अच्छे और सच्चे दिल इंसान बन जाएंगे। आज मुंतजमी ने कमेटी जिसका भी मैंने कहा बड़ा लाल को मैसेज दे रही है एक बार कितना असद लेकर निकले हैं असद के बाद करेंगे देखा जाएगा। असद लंबे कद का खिलाड़ी है बेहतरीन क्रिकेटर है अच्छी गेंदबाजी कर लेता है लेकिन आज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। लंबा वाली मार्क असद का लंबा वाली मार्क है और 6 फुट से ज्यादा इनकी लंबाई है आज गेंदबाजी करेंगे असद तो 900 रुपया और इस मतलब बड़ी खूब तेजी के साथ खेला है तेजी के साथ एक मिल जाएगा एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 21 सही कर रहा हूँ भाई दूसरी सिम कर दिया। गुड गोइंग कहा जाएगा वेल बिगिन इज आप डन अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है वही काम किया है टीम सज्जतुल कि मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने अंजाम खुदा जाने इस पर इस बार नहीं उस पार है छक्का गेंद थी मैंने कहा सीधा गोंदी बाहर कर दिया है 6 के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 27 और मैंने कहा दिल थक थक रहा है लोगों का कि मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। संजयपुर बनाम जिसके लिए जानी जाती है असद लंबा वाली मार असद तुझिसान और इस मरतबा फिर खेला है आदिल आ रहे हैं कैच होने की ये इसरोली के लिए बिल्कुल कहा जाएगा फायदा कहा जाएगा इसरोली के लिए कि किसान जैसा क्रिकेट मैं दिखाऊं वापस आ रहे हैं और आदिल का बेहद कैच कहा जाएगा बेहतरीन अमेजिंग अच्छा कैच किया है आदिल मैंने कहा हो बड़ी खूब के साथ अपने काम को अच्छा भाई नेटवर्क कर रहा हूं अभी क्या करूं बोलो अरफान दिख रहे हैं 5/5 के मुकाबले में किस तरह से मैंने कहा दिखा रहा है लेकिन इधर तो बता रहा है आते ही अपने काम को अंजाम दे दिया थोड़ा सा करिए हो जाएगा सही ऐसा कई नाम आया है सबके लिए सलीम आफ्ताब की तरफ से मैंने कहा बड़ी खूबसूरती के साथ मुकाबला आपके सामने चला है काठी का मुकाबला है दोनों टीम आमने सामने है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा Oh.
हर विकेट पर मैंने कहा 500 का इनाम सलीम आफ्ताब की तरफ से है और ये इनके बड़े भाई भी हैं, सलीम की ये बड़े भाई हैं असद प्रिया ठाकरे के कैच आप करेंगे मैच को पकड़ लेंगे लेकिन वो काम नहीं किया है। मैंने कहा हूं यहां अफजल ने बेहतरीन असद के बाद निकलेंगे 500 का इनाम है असद के 500 रुपया लंबा बाली मार फिलहाल के लिए और इस पर जरा सा मैंने कहा खेला है अफजल आ रहे हैं एक मिल जाएगा एक के साथ बढ़कर हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ कितना इसको 30 हो जाएगा भाई क्या किया जाए कटवा पे यही रोना है टीम कह रही है बड़ी कटवा पर जो रोना है वो यही रोना है नेटवर्क का उसके जवाब में 30 बना चुकी ना तो जी तो चल रहा है ना तो एयरटेल चल रहा है ना ही डीआई चल रहा है छठे के साथ इस पर बढ़कर हो जाएगा मैंने कहा 36-200 रन चला है असद की इस गेंद पर बिल्कुल फ्लैट छक्का लगाया है बिल्कुल सीधा दुनिया की क्रिकेट का बहुत सेफ कहा जाता है मैंने कहा ऐसा होना चाहिए फैसला जब कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इसको हो भरपूर होना चाहिए भरपूर होना चाहिए वही काम को अंजाम दिया है और अभी तक मैंने कहा यहां से प्रवर्ती समाप्ति पहले 36 आगे की कमेटी के लिए जोड़ रहा हूँ अब साथ भाई खासी को शुक्रिया आमिर तो यहाँ पर जो रनों का रिक्वायर हो रहा है खास 17 रन प्रतिबल औसत बिल्कुल जो है उसी के रक्षक कदम पर मैं देख रहा हूँ पहले ओवर में जहाँ पर 20 रन बनाया था टीम संजय सिंह ने वहीं पर बेहतरीन गेंदबाजी अशद की हालांकि एक विकेट खाते में आया है रन खर्च किया तो कुल मिला जुलाकर जो सूरत हाल है ओवर के इख्तिताम पर 36 रन स्कोर कार्ड शो कर रहा है आउट होने वाले बल्लेबाज निशांत क्या निशांत की कमी यहाँ पर खलेगी लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम भाई मैं जो कर सकता था मैं कर रहा था बेहतरीन अंदाज में सबकी सही हाल है नेटवर्क नहीं है किसी में भाई जानी से जो है चल नहीं रहा है बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है ऐसे में चले तोड़ा शांत ने गेंद को गिदर किया और यकीनन एक रन बचाया है टीम के लिए एक एक रन बहुत कीमती है अच्छे टाइम ले आ रहे इतना खराब है जो भी टीम हारेगी आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएगी अल्लामा शिबली रोमानी के खिते का एक बेहतरीन मैंने भाई चार होता है तीनों सिम चेक कर लिया स्टेडियम में क्या खूबसूरत मुकाबला किसरौली बनाम संजयपुर के स्पीड बता रहा है बट अपलोडिंग स्पीड इस वक्त बल्लेबाज अराबाद और तरक्की हुई है शॉट प्ले पटी पठाई थोड़ा सा बाहर की तरफ आई और बल्लेबाज अरफाज समझ नहीं पाएंगे तो विकेट कीपर के ताने में लगातार जो है अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है दो गेंदों के ढीले वाली एक रन आए हैं एक बार ट्राई करता हूँ और 35 रन करके अगली गेंद के साथ तैयार है लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी अराफात के लिए फिर से जाल में फंसाने की कोशिश और पूरी तरह से कामयाब
बेहतरीन गेंदबाजी अबू सर क्या खूबसूरत, मैं तो कहूंगा भैया गेंदबाजी नहीं है टर्निंग आपका पॉइंट है आमिर बेहतरीन। ऐसे जी हां भाई सलमान नहीं है, अच्छी गेंदबाजी हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है टीम की, बिल्कुल जो है अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। और मैं देख रहा हूँ कि सरौली का पूरा खैमा इस अपने नौनिहाल की इस शहजादे की लगातार तारीफों से कुल बांध रहा है, पूरा ये हमारा टाइस जो है इस सरौली के मेहमानों से सजा हुआ है। जनाबे मुफ्ती खुर्शीद साहब है और जनाबे अब्दुल्ला साहब के वालिदे मोहतरम है, आप तमाम लोगों का वेलकम और खैर मकदम है। सलीम साहब है, थोड़ा सा सन्नाटा संजयपुर के खैमे में नजर आ रहा है, क्राउड पूरा दोनों तरफ बैठा हुआ है, आधे दशक इस रौली की तरफ बीच लॉस किया है अरफात ने, पहला छक्का बल्लेबाज अरफात के बल्ले से, ये जाएगी सीधा छह दिवाली के बाहर, छत्तीस रनों पर छह रन के साथ पहुंचा 42 रन। फील्डिंग की जमाव पर नजर डाली जाए तो विकेट कीपर नौमान है, एक स्लिप है, एक खिलाड़ी गली में है, एक खिलाड़ी अंत्य स्थान पर है, और का गपका बंद हो चुका है की बात की जाए तो सिर्फ तीन खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री सीमा रेखा से सटे हुए हैं। इस बीच लॉक किया है, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़ कराएंगे गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाजों के पास, मौका था दो रन का, जहां पर एक रन होने चाहिए थे वहां पर दौड़ कर दो रन पूरा किया, आखिरी आंखों में इशारा करके एक और रन चुरा लिया। शेरवान आपने बहुत सुना होगा कमेंटेटरों से की रन चुरा लिया, इसी को कहते हैं रन चुराना, हकीकत में जहां पर एक रन नहीं होता वहां पर तीन रन हो चुका है। या भाई सही हो गया नेटवर्क, सही हो गया, अभी चलो फटाफट सारे लोग लाइक और शेयर कर दो के जरिए ताकि वापस से सारे लोग जुड़ जाएं। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बेहतरीन बल्लेबाजी 13-40 जो से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा आरबीएस से खेलेगी सेकंड राउंड का मुकाबला। जनाबे मोहम्मद ताहिर साहब साहब इस रोली आमिर साहब के वालिदे मोहतरम आपका मोस्ट वेलकम इस मरतबा, क्या खूबसूरत अभूषण ने गति परिवर्तन दिलाई, गेंद पर गरीब परिवर्तन किया और 12 बॉल 40 रन शतमा दिया, पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। अब एक और रन का ऐलान हो चुका है और नंबर 3 खत्म हुआ, स्कोर का टोटल है 45 और 40 रन की आदिल आएंगे, ये देखने वाला मसला है। और शाह भाई ये कौन आएगा बॉल का, ये दूसरा बट्टा और हाथों में बॉल है, लोग वक्त ना लगाए प्लीज, मंजीर पट्टी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैंने कहा कि अब दो में लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे, दो ओवर 40 रन कुछ काम करने वाला है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। और वक्त ना लगाए जा सकते जी लाए मुकाबले में, शाबाश भाई मैंने कहा जबरदस्त मुकाबला करवाया है, बच्चों के साथ लेकर बड़ा खूबसूरत मुकाबला आज ये करवाया है, जो आज आपके सामने पावर हाउस में चल रहा है, तैयार क्या करेंगे असर, दो में चाहिए 40 असर लंबा वाली मार्ग पौना सौ क्या, और इस मरतबा खेला है के साथ, मैंने कहा 6 मिल जाएगा, 6 के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ मैंने कहा पहली गेंद पे अशक्ति, गेंदों पे लंबा चौड़ा छक्का लगाया है और हर रन में 20 चाहिए, हर रन में 20 का टेबल करना पड़ेगा, 11 बॉल 34 रन इसके बाद एक बार और शेष है, असद को कुछ करना पड़ेगा, असद को सोच समझ कर गेंदबाजी करना पड़ेगा तभी कुछ काम करने वाला है, नहीं तो फिर फिलहाल की बल्लेबाजी में वो तो खत्म है, वो खेल खेला जाते हैं बिलाल, तैयार बिलाल का मैं लिखा हूँ अर्थात मैं लिखा हूँ बेहतरीन मैं लिखा हूँ खिलाड़ी है और उनके साथ फिलहाल है, ज्यादा फील पॉइंट को तरतीब दिया जा रहा है, एक खिलाड़ी को ज्यादा फाइनल पिलाया गया है, नहीं इनको ये ज्यादा गेंदबाजी करेंगे, असर लंबा बॉलिंग मार्ग विकेट पहुंचे और इस मरतबा हाथ स्टिक से भटके थे व्हाइट का इशारा आएगा, व्हाइट के साथ स्कोर पर हो जाएगा फिर एक बार फिर से विकेट, एक विकेट के नुकसान का मैं कहूँ वो जीसान है, आउट होने वाला बल्लेबाज क्या करेंगे बात करेंगे 14 रुपया और इस मरतबा
इस छक्के के साथ स्कोर बराबर हो गया है मेरी सिटी के साथ, मैंने कहा है 58। स्कोर मैंने कहा मेरी सिटी के साथ। स्कोर छक्के के साथ स्कोर बराबर हो गया मेरी सिटी के साथ, मैंने कहा हूँ 58। जी हाँ, 10 बॉल 27 रन 58 हो गया है पृथ्वी जी के साथ, मैंने कहा फर्स्ट बाउंस था। कि जज्बे 100 के शहादत का क्या पूछिए, जब हथेली पे हमने सर रख दिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब जब आ रहे थे बड़ी तेजी के साथ, कहा जाएगा कि पांच चौका ये अर्थात मैंने कहा हूँ आज सलमान की पूरी जगह कर रहे हैं, लेकिन असद को सोच समझ के बात करना पड़ेगा, असद को ज्यादा खींच करके बात करना पड़ेगा, तभी कुछ काम करने वाला है। शादाब भाई अपने मेहमानों का बहुत ख्याल कर रहे हैं, मैंने कहा हूँ अर्बन पॉइंट मल्टी ब्रांड की टी शर्ट आज पहने हैं, इसमें थोड़ा हेलीकॉप्टर के रूप में बला चलाया था, अब उधर आ रहे थे और एक खुल जाएगा, एक के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। इसको और बढ़कर हो गया है 63। मैंने कहा हूँ कुछ गेंद आनी फिर से, ये 5+5 का मुकाबला है, बड़ी खुशी। लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे आप लोग, बेहतरीन अंदाज में मुकाबला आपके सामने चल रहा है और पूरी दुनिया को मैंने कहा हूँ लाइव दिखाया जा रहा है। तैयार असल विराट के लिए और इस मरतबा खेला है बड़ी तेजी के साथ सपाटा, वहाँ अभी आ रहे थे एक विकेट है दूसरे के लिए, बड़ी तेजी के साथ दिख रहे हैं और भी मिल जाएगा क्या तीसरा लेंगे, जी नहीं, दो के साथ सब कुछ करना पड़ेगा। इसको के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है पृथ्वी जी के साथ 67। ऑब्जेक्शन ना करें लोग, डोंट कमेंट टू अंपायर, अंपायर डिसीजन इज नॉट डिसीजन, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, डोंट कमेंट टू अंपायर वंस अगेन। असद अब बोलिए कौन जीतेगा, ये तो पूरा मामला इकट्ठी हो गया है, 6 बॉल पर 14 रन लिखा जाएगा। इस पर मैंने कहा हूँ 3 बड़े लंबे 4 छक्के आए हैं, बेहतरीन मैंने कहा हूँ 3 लंबे 4 छक्के आए हैं। अब नवान कौन से गेंदबाज को लाएंगे, कौन से गेंदबाज को आजमाएंगे, वो आदिल आएंगे या कौन सा गेंदबाज आएगा देखा जाएगा, सब बता आदिल को लाया जाएगा। और नवान की टीम में मैंने कहा आजमगढ़ का किंग ऑफ क्रिकेट लोग इनको कहते हैं, इनको किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं, 14 रन बल्लेबाजी कर लेते थे। अब कुछ मैच कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, संजयपुर टीम कैप्टन आज बनकर आए हैं, कुछ मैच से लेकर निकले हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है और आदिल को लाया गया है बाली मार पे। सलीम की बेचैनियां बढ़ रही है, सलीम अब्ताब मैंने कहा थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस जो सोचकर घर से निकले थे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो सोचकर घर से निकले थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेहतरीन मैंने कहा मुकाबला चल रहा है। अब एक में चाहिए 14, आदिल मैंने कहा हूँ ये ऐसा क्रिकेटर जो आजमगढ़ में क्रिकेट बहुत कम खेला है, लंदन बहुत क्रिकेट खेल कर आया है और शादाब भाई को लोग देखकर कह रहे हैं मौजजा है अजब आपके हुस्न का, जिसने देखा वही आपका हो गया, लोग ऐसा कह रहे हैं। जी नहीं भाई, ग्राम सभा आदिल लंबा वाली मार और इस पर तबाह खेला है बड़ी तेजी के साथ, अब्दुल्ला जा रहे हैं एक जाएगा, किसी के पास कोई मौका नहीं, 5 बॉल 10 रन 75 10 और चाहिए जीत के लिए, मैंने कहा हूँ 10 और चाहिए बची हुई 5 के रुपए। और अब सवा सा मैंने कहा बेचैनियां बढ़ रही है आदिल, आदिल को सोच समझ के गेंदबाज करना पड़ेगा फिलहाल के सामने। और अरफात मैंने कहा हूँ अच्छा क्रिकेट खेल कर आज दिखाया है लोगों को, तैयार क्या करेंगे मैंने कहा हूँ आमिर कर रहा है, आमिर इसराइली की टीम में जीतेंगे जीते के इसका मुकाबला राजा कुछ तौर से आदिल 100 रुपया इस मौका खेला है बड़ी तेजी के साथ, वहाँ एक खिलाड़ी आ रहा है फील कर लेगा तो मिल जाएगा, तीसरे की मांग की है लेकिन मना कर देंगे तो साथ करना पड़ेगा।
देखा हूँ आसान पैर में चार कहा जाएगा, चार बॉल आठ रन कहा जाएगा वहाँ। जबरदस्त मुकाबला, चार बॉल आठ रन, कौन जीतेगा कमेंट करो यार, लाइक करो शेयर करो। चार गेंद पे आठ, हर गेंद पे दो, हर गेंद पे दो चाहिए दिखा है। आज आदिल खिसा से अपनी फील पॉइंट पर तरतीब दे रहे हैं, गेंदबाजी करना है। अगर चौका छक्का नहीं लगा इसरौली काम बन जाएगा, टीम इसरौली का काम बन जाएगा कि जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालना पड़ेगा, कुछ काम तभी बनने वाला है कि दो सातों से आठ लाओ से लाने पे बात करो। तीन बॉल सात रन, बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया है। पैर के दरिया काम करे तभी कुछ काम बनने वाला है, वही काम मैंने कहा अपने काम को चलते हैं। यहाँ तो और मिल गया था एक मिला है ना, कौन जीतेगा फटाफट सारे लोग कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बताओ कौन जीतेगा। आदिल दिखा जाएगा, नुमान में दिखा हूँ अपनी फील पॉइंट पर तरतीब दे रहे हैं और लघु का दिल धड़क कर रहा है, कमजोर फील वाले दबा लेकर आए हैं ना, बहुत काफी का मुकाबला है। क्या करेंगे मैं दिखा हूँ आदिल के साथ लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। अब मैच में लेबल हो गया है, अब लेबल हो चुका है मैच, चाहिए गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा संजयपुर वर्सेस इसराइली कहा जाएगा, राजापुर सिकरो और जो भी खेला जाएगा। ओ एक बार फिर से नेटवर्क स्लो, तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि बयान नहीं कर सकता, मेरे गांव की टीम है और दो पे चाहिए एक, क्या करेंगे आदिल सुबलाल और इसी के साथ देखना है आउट, रन आउट। आदिल क्या बात है, यहाँ से अब एक पे एक चाहिए, एक बॉल एक रन, एक टीपो निकले हैं, टीपो मैंने कहा बल्ला लेकर निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और एक पे एक चाहिए, एक पे एक चाहिए। इसी तरह से अपने काम का जानने के आदिल नुमान पहुंचे हैं कुछ समझाने के लिए, लोगों की थड़कने रुकी हुई है, क्या होने वाला है, जी हाँ क्या होगा, क्या होगा अंजाम दे रही है दोनों टीमें, बहुत अच्छा मुकाबला होगा, इतना अच्छा मुकाबला हुआ है ये दोनों, सारे लोग कमेंट करिए और बताइए क्या होगा, कौन जीतेगा। कुछ पैसे लेकर निकले हैं आसिफ भाई दादा, एक बॉल एक रन ले रहा है, संजयपुर इतना वक्त ले रहा है कि दस ऐसे काम नहीं चलने वाला। और मैं आज आपके साथ मोहम्मद आमिर फराम की सरली आपके साथ जुड़ा हूँ टूर्नामेंट में, और ये सरली की टीम भी खेल रही है, एक पेज चाहिए खिलाड़ियों को, मैंने कहा है क्लोज कर दिया गया है और कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा, निशान भाई आसिफ भाई किसी भी खिलाड़ियों को अंदर नहीं जाएगा। एक बॉल एक रन, बाहर से चले, ये कमेटी का फैसला, एक बॉल एक रन, कौन जीतेगा फटाफट सारे लोग कमेंट करो, बहुत टाइट है, सारे लोग कमेंट करो और बताओ क्या करेंगे आदि, ज्यादा अपने आप को रखना है, एक पे एक चाहिए, एक गेंदों पर एक रन, एक पे एक चाहिए, क्या करेंगे कितना सबसे खास बहुत अंजाम देंगे मैं देखा हूँ। एक खिलाड़ी मैंने कहा है अब टीमें निकले हैं और ये क्रिकेट आपका रूल है दोस्त, क्रिकेट का रूल नियम यही कह रहा है कि जो खिलाड़ी आउट हो चुका है उसको तुरंत पवेलियन में आ जाना चाहिए, वहां बिल्कुल ना रुके और एक पे चाहिए, एक बॉल एक रन, एक पे एक चाहिए, क्या होगा क्या होगा देखा, टाई होगा सुपर ओवर होगा क्या, सुपर ओवर होगा ये मुकाबला संजयपुर जीत ली है, मुकाबले को जीत ली है और इसके बाद राजापुर राजापुर से कहा आपका मुकाबला होगा, दोनों टीम तुरंत पास करवा लें, आपका मुकाबला है दोनों टीम पास करवा लें और आगे की कमेटी के लिए
लेके आया हूँ। संजरपुर वर्सेस राजापुर सिकरौर फटाफट गए और आए। शुक्रिया आमिर, आप यहाँ पे आवाज दी जा रही है। टीम कैप्टन आरपीएफ, टीम कैप्टन संजरपुर आज अटैक के लिए इस टूर्नामेंट का एक और मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला होने को है। बड़ा ही प्यारा मुकाबला, बिल्कुल।